हेलो गाइस, वेलकम टू देजी बडे न्यूज़। तो गाइस, आज मैं आपको दूंगा वेनम मूवी का रिव्यू। तो ये एक फ्री स्पॉइलर रिव्यू है जिसमें कि आपको मैं वेनम की डिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा, कौन डायरेक्ट कर रहा है, क्या है और इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं कुछ बात नहीं करूंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा टॉपिक ये रहेगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस या नो, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो पहले बात करते हैं इस मूवी की। जब मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था और आप लोग भी वेट कर रहे थे, तो बीच में जो रिव्यू आए थे उससे मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया था। मैंने सोचा कि वेनम को कैंसिल करते हैं, बाद में देखेंगे कंप्यूटर पे या टीवी पर जब मौका मिलेगा। पर फाइनली काफी लोगों ने बोला कि नहीं यार, मूवी देख जाइए और आप फर्स्ट टाइम शो देखने जाओ। और फाइनली जब मैंने आज मूवी देखी, तो बस मेरा आंसर है बस आपके लिए ये रहेगा कि ये मूवी वन टाइम थिएटर मूवी है। आप इसमें अगर पैसे डालोगे और इस मूवी को देखोगे तो आपको एंजॉयमेंट होगा, एंटरटेनमेंट होगा और थोड़ा सस्पेंस भी आएगा और हॉरर टाइप होगा, बट आपको ये मूवी देखने में मजा आएगा, बस वन टाइम। तो हाँ, मेरे हिसाब से आप इस मूवी को देखने जाइए। बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो शुरुआत के 20-22 मिनट टॉम हार्डी से रिलेटिव किए हैं कि वो क्या कर रहा है, उसका कैरियर कैसे बर्बाद होता है, उसके बाद उसे सिम्बायोट मिल जाता है और देन उसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी चालू होती है। तो मूवी ठीक ठाक है, वन टाइम थिएटर में देखने लायक है, तो आप देखिए। और बात करते हैं इसकी एक्टिंग के बारे में। तो टॉम हार्डी ही इसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। और देन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करें तो वेनम का सेकंड पार्ट की इसमें अनाउंसमेंट है जिसमें कि विलेन भी रिवील्ड कर दिया गया है। तो काफी कुछ है वेनम मूवी में देखने लायक और शायद देखते हैं कि इन फ्यूचर वेनम को और कितना ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। और अभी हाल ही की न्यूज से ये भी पता चला है कि वेनम के डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो केविन फेगी से बात करेंगे और इस मूवी को, इस यूनिवर्स को स्पाइडरमैन मूवी से इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से, सिर्फ एमसीयू में जो चल रहा है। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर वेनम से रिलेटेड क्या होता है। और रही बात देखने की, तो आप इस मूवी को देखने जाओ, अच्छी मूवी है और मैं ज्यादा खराब भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे हिसाब से ये मूवी बेटर है। तो गाइस, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपने अगर ये मूवी देख ली है तो अपने रिव्यू इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखा, या तो उस पर कंधे के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय, जा रहा हूं।